नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मेरा नाम है काजल तिवारी। झंझारपुर लोकसभा सीट पर जल्द ही वीआईपी के कैंडिडेट की घोषणा हो जाएगी। इस सीट पर मुकेश सहनी का फैसला हर किसी को चौंका सकता है। कार्यकर्ता तो यही चाहते हैं कि खुद मुकेश सहनी इस सीट से चुनाव लड़े। हालांकि वीआईपी इस बार एक महिला प्रत्याशी पर दाव खेल सकता है। बिंदु गुलाब यादव झंझारपुर से वीआईपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। महागठबंधन में झंझारपुर सीट को लेकर शुरू से ही सस्पेंस रहा है। पहले राजद ने इस सीट को खुद के पास रखा, मगर प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई। राजद से लेकर जदयू और भाजपा तक के नेता राजद से टिकट के लिए जोर आजमाइश करने लगे। हालांकि शुक्रवार को ये सीट वीआईपी को दे दी गई। वीआईपी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है, ये सस्पेंस बरकरार है। वही एक नया नाम उम्मीदवारों की रेस में सामने आया है जो सबको चौंका सकता है। वो महिला उम्मीदवार है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि राजद के पूर्व प्रत्याशी व पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव झंझारपुर से वीआईपी की उम्मीदवार हो सकती है। हालांकि गुलाब यादव ने फिलहाल इसे पुष्टि नहीं किया है। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि एक दो दिन इंतजार करें। दूसरी ओर पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि मुकेश सहनी खुद यहां से चुनाव लड़े। यदि ऐसा नहीं हो तो वीआईपी का ही कोई पुराना साथी चुनाव लड़े। इस लाइन में वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। राजीव मिश्रा पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के रिश्तेदार हैं। एक कयास ये भी है कि टिकट वीआईपी का होगा और उम्मीदवार राजद के भीतर से दिया जाएगा, जिसमें प्रशांत मंडल का नाम शामिल है। वही भाजपा के जिस पूर्व एमएलसी के नाम की चर्चा हो रही है, उसे लेकर तेजस्वी यादव को ऐतराज है। टिकट की रेस से जदयू के नेता भी बाहर हो गए हैं। देवेंद्र यादव ने तो टिकट बंटवारे को लेकर नाराजगी जताते हुए लालू यादव को पत्र ही लिख डाला। दूसरी ओर जब से ये सीट वीआईपी को दी गई है, तब से निषाद समाज की वोट प्रतिशत की चर्चा तेज हो गई है। किसी का कहना है कि 1 लाख वोट निषाद समाज का है, तो किसी का कहना है कि 1.75 लाख है। कोई केवट को भी निषाद समाज से जोड़ रहा है। बहरहाल, आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।